नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा में साध्वी प्रज्ञा की विश्वसनीयता पर नेता प्रतिपक्ष ने खड़े किए सवाल। गोविंद सिंह ने कहा, लोगों की हत्या में विश्वास रखती हैं प्रज्ञा। दो दिवसीय प्रवास पर रीवा नेता पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने साध्वी प्रज्ञा के बयानबाजों को लेकर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने प्रज्ञा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वह तो लोगों की हत्या में विश्वास रखती हैं तथा मैं उन्हें चुनौती देता हूं, उन्हें मेरे खिलाफ जो करना हो कर लें, कुछ अनर्गल करने पर भी मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा लूंगा। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों सीडी कांड की सियासत गरमाई हुई है। अब इस सीडी कांड में भोपाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एंट्री की है और अपनी एंट्री करते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को करारा जवाब देकर कहा है कि बहुत जल्द वह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के काले कारनामों को उजागर करने वाली हैं। सांसद ने कहा कि लाहर के गोविंद सिंह भी हैं और लाहर की मैं भी हूँ, मेरे पिताजी बड़े हैं, ये लोग कब आए मुझे मालूम है, तब से लेकर अब तक मैंने इनकी कुंडली निकाल दी तो वह कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए गोविंद सिंह जी सावधान हो जाएं। जिसके बाद अब साध्वी प्रज्ञा के इन बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी उन्हें चुनौती दे डाली और कहा है कि जो लोग हत्या पर विश्वास करते हों उनके लिए वह क्या कहें। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। मैं उनको चुनौती देता हूँ और वो लाहर की हमारे क्षेत्र की रहने वाली हैं, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो इन लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदांध हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है करें, खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करूँगा। स्वागत करेंगे, अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं रहेंगे। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, जिसका जो विश्वसनीय नहीं महिला हो उसके बारे में क्या बात करें।